सब्सक्राइब कीजिए 0 to 9 चैनल को और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड है करंट अफेयर्स के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2017 के दूसरे हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए बनाई गई है, उसने कितने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच कंपनी आईआईटी खड़गपुर साइंड अ MOU for the setting up of a digital academy। IIT खड़गपुर ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है ताकि वो अपने कैंपस में डिजिटल अकेडमी को सेटअप कर सके? तो इसका आंसर है सैमसंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड सोलर ब्रीफकेस टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरिया। रिमोट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन से राज्य ने सोलर ब्रीफकेस को लॉन्च किया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट माता अमृत नंदामयी मैथ प्रोजेक्ट जीव अमृतम इन विच स्टेट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने माता अमृत नंदामयी प्रोजेक्ट जिसका नाम मैथ प्रोजेक्ट जीव अमृतम है किस राज्य में लॉन्च किया? तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर क्रिकेटर्स टू पास द एंड्योरेंस टेस्ट। क्रिकेटर्स के लिए कौन से टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया है एंड्योरेंस टेस्ट के लिए? तो इसका आंसर है यो-यो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इनकॉर्पोरेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन। कौन सा राज्य पहला ऐसा राज्य बना जिसने हायर एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनकॉर्पोरेट किया? तो इसका आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इंप्लीमेंटेड द SCHIS स्कीम रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य ने SCHIS यानी कि सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को इंप्लीमेंट किया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड अ रिमोट सेंसिंग VRSS-2 सैटेलाइट। कौन से देश ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम VRSS-2 है इसको लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द लिंक्डइन रिपोर्ट इंडिया इज डैश रैंक इन लार्जेस्ट मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। लिंक्डइन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक लार्जेस्ट मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में कितनी है? तो इसका आंसर है सेकेंड। तो भारत जो है सेकंड पोजीशन पे है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूसेस सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट व्हीकल टू मेंटेन क्लीननेस।
किसने सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो मेंटेन कर सके क्लीननेस को? तो इसका आंसर है चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग्स इन गवर्नमेंट जॉब? सरकारी नौकरियों में दिव्यांग्स के लिए रिजर्वेशन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव की? तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? तो इसका आंसर है अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2017? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2017 का थीम क्या है? तो इसका आंसर है मेंटल हेल्थ इन द वर्कप्लेस। दोस्तों, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स हैज बीन फॉर्म्ड टू एग्जामिन इंडिया चाइना रिलेशंस? इंडिया चाइना रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स की कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ है? तो इसका आंसर है शशि थरूर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट लॉन्चेस द संकल्प सेवा बस सर्विस टू कनेक्ट 6000 विलेजेस ऑफ द स्टेट? कौन से राज्य ने संकल्प सेवा बस सर्विस को लॉन्च किया ताकि वह अपने राज्य के 6000 गांवों को आपस में कनेक्ट कर सके? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी मास्टर कार्ड लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इनोवेशन सेंटर इन इंडिया? किस शहर में मास्टर कार्ड ने अपना पहला इनोवेशन सेंटर भारत के अंदर लॉन्च किया? तो इसका आंसर है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम मित्र शक्ति 2017 है? ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम मित्र शक्ति 2017 है के साथ स्टार्ट किया? तो इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ ऐप नेम्ड मेड वॉच? इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ ऐप जिसका नाम मेड वॉच है, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू चाइना? चाइना के लिए भारत के नए एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए? तो इसका आंसर है गौतम बंबा वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू लॉन्च लुब्रिकेंट्स इन म्यांमार? म्यांमार में भारत की कौन सी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने लुब्रिकेंट्स को लॉन्च किया? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल कौन इलेक्ट हुए? तो इसका आंसर है ऑड्रे अजुले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
under which scheme graduate Muslim girls to get rupees 51,000 from Modi government. Graduate Muslim girls कौन सी स्कीम के अंतर्गत मोदी गवर्नमेंट से 51,000 रुपीस ले सकती हैं? तो उस स्कीम का नाम है शादी शगुन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी फॉर 20 बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया टू मेक देम वर्ल्ड क्लास. 20 बेस्ट यूनिवर्सिटीज जो भारत की हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितना अमाउंट अनाउंस किया ताकि उनको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाया जा सके? तो इसका आंसर है रुपीज 10,000 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच असेंबली बिकेम्स फर्स्ट इन इंडिया टू कॉल attention and adjournment motion online. भारत की कौन सी असेंबली ऐसी पहली असेंबली बनी जो attention and adjournment motion को online call कर सकती है? तो इसका आंसर है राजस्थान असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज According to the Global Hunger Index 2017, what is the rank of India? Global Hunger Index 2017 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो इसका आंसर है 100. तो दोस्तों, करंट अफेयर में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे.